आपसी विवाद में चली गोली लगने के कारण दो युवक घायल, जिन्हें घायल अवस्था में खैर स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार दो पक्षों में पहले से विवाद चला आ रहा था, जिसके चलते शनिवार की शाम दोनों पक्ष आमने सामने आए। इसके बाद देखते ही देखते झगड़ा बढ़ने लगा और गोली चल गई, जिसमें अतुल व धीरज को गोली लग गई। इसके बाद दोनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां से गंभीर अवस्था होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया। सहदेव सिंह हवलदार फौजी। क्या मसला है ये? मसला जी, हमारे गांव में झगड़ा सा हुआ था, तो हमारे बच्चे के नाती के गोली लगी है। दो बच्चों ने गोली मारी थी, एक राज्यपाल का लड़का है विनोद, एक चरण सिंह का है रमेश। 315 गोली मारी, पाल निकल गई है। उसको लेकर हम थाने आए थे, थाने में उसको रेफर कर दिया मेडिकल के लिए, और हमारे बच्चे हैं जो साथ आए थे, पुलिस वालों ने यहाँ पर बैठा लिए थाने में, हमारे बच्चे बंदी बना लिए हैं, जो कि हमारे बच्चे की गोली लगी है और दूसरे पक्ष को पुलिस लेके घूम रही है। बड़े प्यार लगी है। उसका नाम क्या और कौन से गांव का मसला? अतुल मानपुर कलां। नाम क्या है बच्चे का जिसकी गोली लगी है? अतुल सनौप विजयपाल। क्या नाम है और क्या घटनाक्रम है? भैया मेरा नाम दीपक है, कारसल के रहने वाला हूँ यहाँ। भैया मैं अपने भैया को देखने आया था, गोली लगी थी उसके, तो हमें भी इन्होंने अंदर बैठा रखा है, उसके गोली लगी है। गोली किसने मारी है और कहाँ का मामला है? अजीत गोड़, तुम नाम बताओ। राधा राजपाल। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? पुराना झगड़ा है भैया, ये तो जमीन का। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।